हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा, हम लोग साइंस का एक टॉपिक आता है जो एनडीए में पूछा जाता है, उसमें वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, और उससे फिर फॉर्मूला कैसे बनता है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो ज़रा गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखिए। चलिए, हम लोग टाइम को बिना बेस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इसकी पहचान, फिर आयंस, आयंस में रेडिकल्स आता है, उससे फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है ये पूछा जाता है बेटा। तो जरा ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली ये साइंस के एक टॉपिक में आपको पढ़ना है, राइट। सो सी, हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं कि ये किस तरीके से एटम मॉलिक्यूल के साथ रिलेट करता है, ये आपको देखना है, राइट। तो चलिए, यूनिवर्स के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, यूनिवर्स जिस चीज की बनी होती है उसे केमिस्ट्री में हम मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केमिस्ट्री में हम उसे, या साइंस में उसे, एक तरह से मैटर कहते हैं। मैटर किसको कहा जाता है? मैटर उसको कहा जाता है विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड ए स्पेस। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, आप अच्छे से समझिए। मैटर को फिर केमिस्ट्री वालों ने एक नया नाम दिया, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस, या देखते हैं उसे हम सब्सटेंस कहते हैं, जिसको आप पदार्थ कह सकते हो। सब्सटेंस की भी वही डेफिनेशन होगी जो आपने यहाँ पे मैटर का, क्या है कि मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और सब्सटेंस आपके सामने है। तो केमिस्ट्री वालों ने इसी मैटर को सब्सटेंस कहा, राइट। अब ये सब्सटेंस कितना आगे चल करके तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और एक को हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। जरा गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये टॉपिक है छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी कॉन्सेप्चुअल है। तो मैटर को जब आप आगे एडवांस किए थोड़ा, तो केमिस्ट्री वाला ने उसे सब्सटेंस का, और इस सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने है कि प्योर सब्सटेंस किसको कहा जाता है, ये जानते हैं। देखिए साहब, प्योर सब्सटेंस का पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन जानते हैं, इसका मतलब जानते हैं। बिल्कुल एक लगता है कि द सब्सटेंस विच आर made up of fixed number of particles का बना उसे हम कहते हैं fixed number of particles का बना, right? समझ में आया? अब आप यहाँ सर जैसे का एग्जाम्पल बताएं, मैं अभी आपको एग्जाम्पल आगे बताया कि प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है। इम्प्योर सब्सटेंस का जाता है कि The substance which are not made of, या ऐसे लिख सकते हो कि the substance which are made of not fixed number of particles। इसमें particle fixed नहीं होते बेटा, ओके, क्लियर हो गया। अब आज इसको पहचान रहे हैं। जैसे आप प्योर सब्सटेंस की बात करते हो तो वो जान लेते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो आपसे कोई पूछे कि उसका सूत्र क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या लिखते हो बेटा? CO2 लिखते हो। इसमें कोई वेरिएशन नहीं, कोई डाउट नहीं, आप लिख देते हो। आपसे पूछा गया ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा, आप आराम से लिख देते हो। आपसे पूछा गया इस वातावरण में ओजोन पाया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप आराम से लिख देते हो। तो आपसे पूछा जाए सोडियम नमक का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप NaCl लिखते हो। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, आप H2SO4 लिख देते हो। आपसे पूछा जाए शुगर का फॉर्मूला क्या, शुगर
शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22OLL और C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ये शुगर है जिसको आप चीनी कहते हैं। तो इनके रेशियो, इनके नंबर ऑफ एटम देखो फिक्स है, कभी नहीं बदल रहा है, ये भी नहीं बदल रहा है, ये भी नहीं बदल रहा है, ये भी नहीं बदल रहा है। जब भी ओजोन बनाना होगा तीन ऑक्सीजन चाहिए, जब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होगा एक कार्बन दो ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए ही चाहिए, नो एक्सक्यूज। ऑक्सीजन बनाना हो तो दो ऑक्सीजन एटम चाहिए। और आप ऐसे लिखते, आप कभी नहीं लिखोगे कि सॉरी सर ऑक्सीजन का फॉर्मूला 2.8 होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आप ऑक्सीजन का फॉर्मूला ऐसे लिखे, राइट। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इंडिया में, आप ध्यान रखिए। तो ये सारी चीजें इनके पहचानना होता है, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला बताएंगे H2 होता है। आपने ये नहीं बताया कि सर वाटर का फॉर्मूला 2.5 होता है, क्योंकि मेरे नानी के यहाँ का हाइड्रोजन बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं होता भाई, दैट इज फिक्स। वाटर फिक्स है, चाहे कहीं दुनिया के कोने में चले जाओ, अगर आपसे वाटर का कोई सूत्र पूछे तो यू कैन गिव द आंसर दिस। इसका मतलब क्या होगा कि दुनिया की बहुत सारी चीजें जिसके बनाने के लिए नंबर फिक्स हो उसे हम प्योर सब्सटेंस में रखते हैं। अब इसी के उल्टा देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं, जरा समझिएगा। सपोज करो बेटा इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर हम आते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस ध्यान से देखोगे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं हमको एक कप चाय बनाना है, ठीक है, इस एक कप चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। मेनली तीन चीजें चाहिए, मिल्क चाहिए, टी लीफ चाहिए और शुगर चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक कप चाय बनाने के लिए शुगर और मिल्क और चाय पत्ती का अमाउंट फिक्स होना चाहिए या ये फिक्स नहीं होता है? नहीं होता, अलग अलग वेरी करता है। आप 10 जगह चाय पियेंगे, आप जो चार रिलेशन में जाएंगे सब जगह का टेस्ट अलग अलग है, सब जगह चाय में दूध पानी शक्कर चाय पत्ती का मिलावट अलग अलग होगी, ठीक है, समझ में आ गया। वो छोड़िए और ले लीजिए आगे, आपके यहाँ सब्जियाँ बनती हैं, सब्जियों में जो तेल यूज़ किया जाता है, जो सब्जी में अमाउंट यूज़ किया जाता है सब्जियों का, ये जो नमक यूज़ किया जाता है क्या सेम होता है मसाले का? नहीं, वो भी छोड़िए। आप कपड़े पहनते हो, मैंने भी कपड़े अपने बनवाए, आपने भी बनवाए, क्या सेम लेंथ का होता है? नो सर। अब कपड़े देख ले, आपके घर का जो एक मकान जो बना फिर देखिए, देखिए साइंस चाहता है कि आपको समझने की आदत पड़ जाए अगल बगल के चीज़ों को, बस और कुछ नहीं। आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं तो आपको रिकॉल करने आएगा कि साइंस के कैटेगरी में हम किसको कहाँ रखते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को किस कैटेगरी में आप रखिएगा, प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस? तो यार मोबाइल को बनाने का कोई खास नियम तो है नहीं, उसके अंदर क्या अमाउंट ये इतना बड़ा हो या इतना बड़ा होना चाहिए। देखो अलग अलग साइज की मोबाइल आ जाती है, अलग अलग क्वालिटी का मोबाइल आ जाता है, अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इसका मतलब उनका रेशियो फिक्स नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को केमिस्ट्री वाले ने इम्प्योर सब्सटेंस का, जैसे शिकंजी हम बनाते हैं, अगर आ जाएगा पानी में नमक मिला दिया या पानी में चीनी मिला दिया जाए C12H22O11, इसको क्या बोलेंगे आप, प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंस? तो केमिस्ट्री इसको कहता है सर ये प्योर इम्प्योर है। तो फिर क्या कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस को, इम्प्योर सब्सटेंस का एक दूसरा नाम पड़ गया इस इम्प्योर सब्सटेंस का, एंड दैट इज नोन एज मिक्सचर। मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, इसे मिक्सचर कहते हैं, राइट। अब हम आपको ले चलते हैं दोबारा आगे बढ़ाते हैं कि प्योर सब्सटेंस को और कैसे डिवाइड किया गया, फिर इम्प्योर सब्सटेंस को कैसे डिवाइड किया गया और कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो चलो इसको नोट करो, तो ये तो आप नोट करोगे या फिर कैसे लिख लेना। बेटा अब मैं आपको ले चलता हूं प्योर सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई, देखो बेटे प्योर सब्सटेंस को दो हिस्सों में बांटेंगे, क्या रखना अच्छे से, एक को बोला जाता है एटम, एक को बोला जाता है एटम, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो, एटम से भी अच्छी चीज जान लो,
आपको मैं सिखा दे रहा हूँ एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट केमिस्ट्री में हम प्योर सब्सटेंस को एक एलिमेंट में तोड़ेंगे और दूसरा कंपाउंड में, दूसरा कंपाउंड में रटना नहीं आपको, नो समझना है। एलिमेंट्स की हिंदी शब्द होती है और कंपाउंड की हिंदी यौगिक होती है, ये आप लोग जानिएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए, आपको एलिमेंट पहचानने आना चाहिए। तो केमिस्ट्री में एलिमेंट उसको कहा जाता है, वेरी सिंपल ट्रिक है कि वो चीज जो सिर्फ एक तरफ के पार्टिकल से बनी हो, जैसे सोना ले लीजिए आप, सोने का हर टुकड़ा सोने जैसा होगा, ऐसा नहीं होगा सोने का जो दसवां टुकड़ा होगा वो चांदी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तो वैसे पदार्थ को हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम एलिमेंट का डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो सिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल का बना, सिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल का बना हो, एक ही तरह की चीजों का बना हो, जैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आपको बता दूं जैसे एसिड लिख दिया आपने, P4 लिख दिया, तो जब इसको आप तोड़ोगे तो इसमें एक सल्फर मिलेगा, इसमें चार फॉस्फोरस मिलेंगे, O2 को तोड़ोगे तो दो ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये तो सिर्फ सल्फर सल्फर फॉस्फोरस फॉस्फोरस और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बने हुए, ये आपको पहचानने के लिए हमने किसमें से एलिमेंट बने आप आराम से बता देना, जो एक जैसे लिखे खेल खत्म। अब आप जैसा मैंने लिख दिया 10 Na सोडियम लिख दिया, या लिख दिया 5 कॉपर लिख दिया, तो ये भी एक तरह का, एक ही तरह के चीजों का बना हुआ, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं मौजूद है, तो इसे भी हम एलिमेंट कहेंगे, क्लियर है। ओके, अब आप यौगिक की बात करें, इसमें थोड़ा अंतर है, इसमें सिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल नहीं होगा, इसमें डिससिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल होगा, तो दे आर मेड अप ऑफ डिससिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल। बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, डिससिमिलर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स का बना होता है, मतलब आप आपके सामने देखिए HCl हाइड्रोजन क्लोरीन आ गया, अब इसमें HCl सिर्फ थोड़ी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन थोड़ी है, तो ये यौगिक हो गया, खत्म बात, ये पहचानना है। H2SO4 आ गया, H2O आ गया, कॉपर सल्फेट आ गया, C6H12O6 आ गया, बेटा ये सारी चीजें क्या है, बस इतना ही पहचाना था और कुछ करना ही नहीं आप। चलिए हम आगे ले चलते हैं, अब आगे ले चलते हैं इसमें एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स को फर्दर हम डिफाइन करेंगे तोड़ेंगे दो हिस्सों में। एलिमेंट हमारा यानी एक जैसे चीजों का बना हुआ, ये दो हिस्सों में टूट जाता है, और एक को बेटा हम कहते हैं एटम और दूसरे को हम कहते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल, एलिमेंटल मॉलिक्यूल याद रखना, कुछ नहीं आपको पहचानने के लिए आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो एटम पहचानने का फंडा मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं, जान लीजिए आप, एटम कहा जाता है कि एलिमेंट के सबसे छोटे टुकड़े को सबसे छोटे तोड़ते जाइए, जो लास्ट वाला टुकड़ा मिलेगा जिसको आप तोड़ नहीं सके, किससे, हथौड़े से या फिजिकली नहीं तोड़ सके, फिजिकली किसी भी मेथड से आप नहीं तोड़ सके, उस छोटे से टुकड़े को हम उस एलिमेंट का एटम कहते हैं, ठीक है। तो एटम के बारे में लिखेंगे, पहला पॉइंट द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन, आप चीजों को अच्छे से समझिएगा, या किसी मैटर के छोटे टुकड़े को हम एटम कहते हैं, राइट, और इन्हें क्या होता है सर, एलिमेंटल मॉलिक्यूल किससे कहते हैं, ये बने होते हैं बेटा मेड अप ऑफ मोर देन वन, अभी मैं समझाने वाला हूं, मोर देन वन, देखो एलिमेंट आ गया तो सिमिलर आ गया, मोर देन वन सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम, काइंड्स ऑफ एटम, हम इसको अभी डिफाइन कर रहा हूं, आगे आपको समझा रहा हूं कैसे पहचानिएगा, आई विल टेल यू दिस नाउ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम का सिंबल क्या होता है सर, ये बताइए आप, तो बेटा जान लो सभी लोग, सारे स्टूडेंट एटम कैसे पहचानेंगे, हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे इसमें एटम पहचानना तो कौन एटम है, तो हम अभी ट्रिक बता रहे हैं, एलिमेंट लिखा हुआ रहेगा सिंबल नीचे बेटा, या कुछ नहीं लिखा हुआ, या नीचे कुछ नहीं होता है, आगे नंबर लिखा होगा बस, आगे जब नंबर लिखा होगा तो उसका पैसा पढ़ोगे, नंबर प्लस नेम ऑफ एक्स, और इसको पहले तो नंबर पढ़ना है, फिर नेम ऑफ एक्स एलिमेंट का नाम बोलना है, नीचे कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, उसके बदले में तो मैं एटम बोलना है, आप देखो तो जरा यहाँ पर 10 Na लिखा हुआ है,
इसके नीचे कुछ नहीं है, 5CU लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो दो लिखा है, ये वन हो गया, वन हो गया, वन हो गया, यहाँ एट लिखा है, यहाँ 7F4 लिखा है, तो ये हमारा एटम नहीं हुआ, एटम हमारा कौन सा हुआ, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपने जब लिखा 10Na, इसको पढ़ भी लीजिए, इसको पढ़ेंगे 10 सोडियम, और चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं लिखा था, उसका बदले में एटम यूज कर रहा, मैंने लिखा 6N, इसको पढ़ेंगे आप 6 नाइट्रोजन है, क्यों भाई एटम, क्योंकि इसके नीचे सर कुछ नहीं है, ये बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड एटम। तो एटम कैसे पहचानेंगे समझ में आ गया। अब एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, हम अभी आगे बता रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप एटम देख रहे थे, अब मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल आप कैसे पहचानेंगे और मॉलिक्यूल कितने तरह का होता है, ये आप जानते हैं। चलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल के अंदर दो बातें याद रखनी है, बस सिर्फ दो, बाकी कुछ नहीं। पहला याद रखना है कि मॉलिक्यूल बने होते हैं मोर देन वन एटम के, यानी इसमें एटम एक से ज्यादा हो, सौ बात की एक बात। दूसरा, ये केमिकली बॉन्डेड होंगे, रासायनिक बंधन से जुड़े होंगे, केमिकली बॉन्डेड, केमिकल बॉन्ड होंगे। जैसे सर एग्जांपल बताइए, आप सभी लोग एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन O2 लिख रहा हूं पहले मैं समझाने के लिए आपको, तो ऑक्सीजन का एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ अपने सामने रखे ऐसे, तो दूसरा ऑक्सीजन भी इसके सामने आ जाएगा ऐसे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, राइट, और ये क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, समझ आ गए, ध्यान से समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये अच्छे से देखना है। तो ऑक्टेट यहां ध्यान से देखना, ये शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर रहा है, केमिकल बॉन्ड हो रहा है, और क्या बना दिया, मोर देन वन एटम है, पक्का देखने में लग रहा है, और एक जैसा है, क्या बना, एक जैसा है, तो दिस इज मोर देन वन एटम, सिमिलर काइंड, क्या लिखेंगे हम लोग, सिमिलर काइंड, राइट, और यहां पर क्या होगा, केमिकली बॉन्डेड है ना बेटा, तो ऐसे को आप क्या बोलेंगे, जहां पे सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम है, इसी को बोला जाता है केमिस्ट्री में, जहां पर केमिकली बॉन्डेड हो, इसी को बोला जाता है एलिमेंटल मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं बोलो, एलिमेंटल मॉलिक्यूल, समझ आ गया, दैट्स व्हाई O2 इज कॉल्ड एलिमेंटल मॉलिक्यूल, समझने वाली बात है, ठीक है। और चलिए आगे ले चलता हूं, आपको यहां देखिए H2O की बात कर रहे हैं, H2O की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन के पास अभी देखें कितना होता है, 6, इसको हाइड्रोजन अपना ड्यूएट पूरा करना चाहेगा, और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे अलाइनमेंट होगा, ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ओके सर, नो प्रॉब्लम, और ये किसका इलेक्ट्रॉन है दिया, बहुत अच्छा, क्या होना है जानते हैं आप, ये देखो, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, बोलिए, और ये यहाँ पर शेयर कर लिया, तो दिक्कत, लेकिन एक बात समझ में आ गई, ये भी केमिकल बॉन्ड है, ये भी केमिकली बॉन्डेड है, लेकिन एलिमेंट्स यहाँ पे एक जैसे ही अलग अलग है, बस बस बस, तो ऐसे को जानते हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि यहाँ पे मोर देन वन एटम है और केमिकली बॉन्डेड है, बट वो एटम कैसे हैं, सिमिलर है या डिससिमिलर है, यस डिससिमिलर है बेटा, इसीलिए इनको बोला गया
कंपाउंड मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्यों बोला गया? कंपाउंड इसलिए बोला गया कि ये डिसिमिलर है, और मॉलिक्यूल इसलिए बोला गया कि ये केमिकली बॉन्डेड है और एक से ज्यादा है। समझ आ गया? तो जब भी मैं मॉलिक्यूल बोलूं आपको दो बात याद रखना, क्या क्या? मोर देन वन आइटम और केमिकल, राइट? तो आइए हम लोग सेलेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड। एक मॉलिक्यूल को हम कैसे डिवाइड करेंगे? एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोलेंगे, एलिमेंटल मॉलिक्यूल, और एक को कंपाउंड मॉलिक्यूल। नो प्रॉब्लम सर, कंपाउंड मॉलिक्यूल, बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आया। एक एलिमेंटल मॉलिक्यूल है और दूसरा कंपाउंड मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया सर। एलिमेंटल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं इंडिया? अभी बताया मैंने, यस यस। तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जान लिया, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यही होता है, आगे नंबर होगा और नीचे एम लिखा होगा, यानी ये वाला नंबर जो है 1, 2, 3, x1 हो सकता है, एंड ये वाला नंबर आपका हमेशा 2, 3 या 4 होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए 2 से 1 से ज्यादा होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज गिवन हियर। जब आप पढ़ने का तरीका सीखेंगे, इसका नाम लिखना जब चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो वो सुन लीजिए। सबसे पहले आपको नंबर बोलना है, फिर नेम ऑफ एक्स बोलना है बेटा, नेम ऑफ एक्स, और इसके बदले में जो एम लिख रहा है इसके बदले में आपको मॉलिक्यूल लिखना है। कांसेप्ट समझ में आ गया? सो इसका मतलब इसके लिए आपको स्पेशली मॉलिक्यूल लिखना है। फिर मैं क्वेश्चन कैसा था वो बता। चलिए इसका सिंबल लिख लीजिए, ये हम एक्स ए, वाई बी और जेड सी लिख सकते हैं। आप बोलेगा सर एग्जांपल बताइए, देखिए आपके सामने है, जैसे आपने H2SO4 लिखा, तो एक्स के जगह ये आ गया, वाई के जगह ये आ गया, जेड के जगह ये आ गया, बोले बेटा तो दिस इज गोइंग टू आंसर। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आप बताइए ए के जगह आ गया या बी के जगह 1 आ गया या सी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपको याद रखना था, जैसे NaCuSO4 लो बेटा, तो एक आइटम दो आइटम तीसरा आइटम, HNO3 ले लो आप, दिस इज गोइंग टू हैपन, बोलो। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, कंपाउंड हो गया और ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल हो गया, राइट? हाँ हाँ, एक नंबर आ सकता है, एन नहीं होगा बेटा, बहुत सारा नंबर नहीं होता है, मॉलिक्यूल फिर क्राउडिंग हो जाएगी। सही मारा, 1, 2, 3 कहाँ पे? ये पे, हाँ यहाँ भी एन आ सकता है, यस 1, 2, 3 यस। मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं आपको थोड़ा इसको समझाता हूँ। आपने अभी देखा मॉलिक्यूल का एलिमेंटल मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन क्या था बेटा? एलिमेंटल मॉलिक्यूल को एटम में कैसे बदलेंगे? तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था? ए था, ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने लिख दिया NxM। अब आ जाएंगे थोड़ा और एटम के लिए, मैंने क्या फॉर्मूला बताया? एटम के लिए
नीचे x m x m नहीं था, तो अब आप इसे m को हटाएंगे यहां से, तभी तो बचेगा x खाली, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपने लिखना n into m x, अभी एटम हो गया राइट, अभी एटम का फॉर्म में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 n2 है, तो ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल हो गया, दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, आया समझ में? इसको आप पढ़ेंगे क्या चीज, 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यहां ध्यान से देखिए, पहले नंबर पढ़ेंगे जैसे आपने लिखा था यहां पे, और से देखिए रजिस्टर में लिख दो 2 O2, तो आपको पढ़ना है 2, पहले नंबर बोलना है, फिर नेम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन हो गया और बदले में 2 के बदले में मॉलिक्यूल लिख देना, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। मैंने लिखा 6s8, तो आपको लिखना है 6 सल्फर मॉलिक्यूल, क्या लिखना भाई साहब, 6 सल्फर मॉलिक्यूल, मतलब इस 8 के बदले में खाली मॉलिक्यूल लिखना, कांसेप्ट क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कि अगर आप इसको एटम में बदलने की कोशिश करेंगे बस, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 नाइट्रोजन, यानी कि 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजन एटम, ये क्वेश्चन है। अब आ जाओ, अब तुम्हारे पास 3s8 है, क्या करोगे तुम, हां बहुत अब लग रहा है ना, लेकिन ऐसे देखते तो हिलता भी नहीं, पढ़ाने के बाद हल्का लग रहा है, अगर ऐसे आता ना तो पता भी नहीं चलता। अब आपको हंसी आ रही है कि इतना आसान कैसे आता है, लेकिन आप अपने दोस्तों से पूछ के देखिएगा तो सांस बंद हो जाएगा। हाँ तो फिर लगे रहे, हाँ तो इससे आगे चलेगा, इसी में एडवांस चलेगा थोड़ा सा ना, लेकिन चीजें छोटी छोटी नहीं जानते तो बड़ी वाली नहीं है, मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। ये बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 ऐसा नहीं ना हमारी, तो इस तरीके से क्वेश्चन का मैनिपुलेशन होता है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल हम जानते हैं। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है आयनिक कंपाउंड, और फिर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो क्वेश्चन आता है, तो आप देखना होल कंसेप्ट समझ नहीं आता। अच्छा भी मैं बता दूंगा, बहुत शानदार पढ़ा दूंगा, नहीं तो कल समझा दूंगा होल कंसेप्ट, कल का क्लास हो तीन क्लास हो, होल कंसेप्ट पे सवाल आते हैं क्या, आते हैं, अच्छा मैं बात करूंगा आपसे, इसी में आता है होल कंसेप्ट, मैं अच्छे से समझा दूंगा डॉट सर। इसीलिए एटम मॉलिक्यूल्स पहचान वाला, अगर एटम मॉलिक्यूल्स क्लियर नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे वो चीज़, एटम वाले का जिसको क्लियर है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे थोड़ी देर के लिए देखते हैं, थोड़ी देर के लिए एक चीज बता रहा हूं मैं, जरा समझना यहां पे बेटा, अगर मैं लिखूं मेरे पास 12 डजन ऑफ हाइड्रोजन है, अब ये बताओ इसको पढ़ो तो कैसे, हाइड्रोजन क्या एटम या मॉलिक्यूल, नहीं गैस तो मैंने लिखा ही नहीं, यहां मैंने अभी क्या पढ़ाया तुमको, नीचे 2 आ गया ना, एक्स नहीं एटम कैसे हो जाएगा, देखो एटम के नीचे टू नहीं नहीं आता है, एटम के नीचे नंबर थोड़ी आता है, हाँ तो बोलना पड़ेगा आपको सर 12 डजन ऑफ एलिमेंटल मॉलिक्यूल, हाँ 12 डजन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आगे समझ में रुक जाना, अभी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। अब मेरा सवाल है, सवाल सुनना है ध्यान से, 12 दर्जन H2 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा 12 दर्जन H2 मॉलिक्यूल में कितने दर्जन हाइड्रोजन के एटम होंगे, यस तो अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल हैव टू रिमेंबर सर 24 दर्जन ऑफ, अब आप मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहे हैं सर, अब आप हाइड्रोजन एटम पूछ रहे हैं, बोलिए नहीं ऐसा समझ में, तो जब आप कन्वर्जन में नहीं जानते तो आपसे आवाज नहीं निकलती, आगे समझ में। अब देखिए इसी सवाल को और आगे चलते हैं, कितने कितने सवाल चेंज हो गया, 12 दर्जन H2 में 12 डजन H2 में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, के मॉलिक्यूल है 12 दर्जन में, तब तो दर्जन खत्म, मैं दर्जन तो कुछ ही नहीं रहा हूं, मैंने फिर से क्वेश्चन सुना, मैंने पूछा 12 दर्जन H2 में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, तो ये दर्जन इसमें मल्टीप्लाई हट जाएगा ना, तो 12 × 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, इतना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, दिस इज गोइंग टू हैपन, इतना H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कंसर्न फॉर मैन बेटा, नहीं ऐसा नहीं, और अगर मेरा क्वेश्चन आ जाए तो नहीं, 12 दर्जन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने दर्जन, नहीं दर्जन खत्म हो गया, कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो यहां मॉलिक्यूल तक पहुंच चुके हो तुम, 24, हां तो 12 × 12 × 2
इतने हाइड्रोजन एटम होंगे। कैसा समझ आया? आया? अब इसी बात को देखो, एक नई बात। जिस तरह डजन का मतलब 12 होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में वन एवं बैकग्राउंड नंबर को वन मोल कहा जाता है। आया समझ? और इसकी वैल्यू होती है 10 का पावर 23। सर ये नंबर फिक्स ही क्यों हुआ? कुछ और नहीं आ सकता था? कि 0.02 कहाँ से आ गया ये हम बताएंगे आपको, कल के क्लास में सिखा देंगे आपको, मजा आ जाएगा आपको। ये फिक्स वैल्यू होती है, ये फालतू में नहीं लिखा गया, बहुत ही फिक्स वैल्यू होती है। हाँ तो ये फिक्स होती है ना, आखिर 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 6.023 क्यों आया भाई? ये क्वेश्चन है कि नहीं भाई? आखिर ऐसा ही क्यों आया सर? कुछ और आ जाना चाहिए, 3.02 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सुनिएगा हमारी बात, एक मोल में इतना आ गया। अब हम क्वेश्चन को हटा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं कि 12 मोल H2 लिख दिया मैंने, समझिएगा बात। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इसको पढ़ें क्या सर? 12 मोल ऑफ, हाँ 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। दिस इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट? ये मेरा पहला क्लास है आज यहाँ का। हाँ वैसे हम ITGE में हम पढ़ा रहे थे, तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा समझ में आ जाएगी बात, इत्तेफाक है क्या बैठ गए हैं। हाँ तो 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, अब सवाल चेंज कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। मेरा क्वेश्चन है कि 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, कितने? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि 2 दर्जन में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो आप नहीं 12 आप लिखे पहले, कोई बात नहीं, 12 कैसे आ जाएगा, दर्जन थोड़ी है। दूसरा सवाल सुनिए, एक खेला होता है मोल के अंदर। अब मेरा सवाल है कि 12 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है? अब मोल्स रहेगा एटम 22, यस यस यस, 12 × 2 मोल्स ऑफ क्या बेटा, हाइड्रोजन एटम, कौन सा समझ में? अब सवाल फिर बदल गया, अब मैं पूछ रहा हूं कि 12 मोल हाइड्रोजन में कितने, नॉट कितने मोल, कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, हाइड्रोजन के एटम होंगे, अब ये हाइड्रोजन, हाँ बस 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 बस, आगे समझ में? दिस इज द एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्या, हाइड्रोजन एटम, अंडरस्टैंड है? यही है मोल का हेरा फेर। चलो लिखो, अब आगे कंपाउंड बनाते हैं, क्या बनाते हैं?
तो ये बात आपको बैठा लेना अपने मन के अंदर, और आप हमारी पढ़ाई यहीं से शुरू होने वाली है। तो आप आगे देखेंगे कि आयन कंपाउंड आयंस के बन जाते हैं, तो फिर आयंस क्या होता है, आयंस किसको कहते हैं, जानिए आयंस या रेडिकल्स किसको कहते हैं, ये मुझे आपको समझाना है। आयंस और रेडिकल्स, बेटा आयंस और रेडिकल्स कहा जाता है वो आपसे समझोगे तो आंसर दे दो। पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, चार लोग एंड रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, retain their properties called, retain their properties called ions या radicals। चार गुण चलो अब मैं आपको समझाऊं ions और radicals क्या होते हैं, इसका काम क्या है। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे हमारा चेहरा, हमारे चेहरे का क्या काम है, भगवान ने क्यों चेहरा सबका अलग अलग बनाया, गॉड ने पहचानने के लिए, और वो बदलता नहीं है समय के साथ, वो वाला नहीं कि बचपन से बुढ़ापे में बदल गया, वो मैं नहीं पूछ रहा, वक्ती तौर पे एक घंटे दो घंटे में थोड़ी बदलता है, या एक माह दो माह या एक साल में थोड़ी बदलता है, समझ में आ रहा है, ये तो 10 साल 20 साल 25 साल पे डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब कि चेहरा ऊपर वाले ने बनाया है, जैसे वो नहीं बदलता है जगह के बदलने से, तो उसको प्रिडिक्ट पहचानने में मदद मिलती है, उसी तरीके से आयंस एंड रेडिकल्स को भी पहचानने में मदद मिलती है। हम लोग आयंस और रेडिकल्स जो यहाँ देख रहे हैं पहचानने में मदद मिलती है, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स में अलग अलग आयंस हैं, उसको कैसे आप पहचान लेंगे, कार्बोनेट है कि सल्फेट है कि नाइट्रेट है कि क्लोराइड है कि कौन सा मेटल है, यस यही है कैटायन है, तो वो यही है, उसका तरीका बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कलर देता है, पता चल जाता है, तो इसको रेडिकल बोलते हैं ना, आयंस या रेडिकल यही होता है। आप देखिए जैसे यहाँ पर, जैसे आपके पास कोई एटम है और इसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ गया, चार्ज उसी समय आता है जब इलेक्ट्रॉन आता है या जाता है, समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, कौन सा समझिएगा, दिस इज कॉल्ड चार्ज, और इसको बोलते हैं सिंबल, व्हाट इज दिस सिंबल, तो चार्ज और सिंबल मिलकर के, चार्ज और सिंबल मिलकर के कहलाता है आयन या रेडिकल, कंसेप्ट समझा। उसी तरह से एक एटम है या दो एटम है, उसके ऊपर फिर प्लस या माइनस आ गया बेटा, ये भी चार्ज है, तो आपके सिंबल नहीं है, आपके फॉर्मूला बन जाता है, जब सिंबल एक से ज्यादा होते हैं तो उसे फॉर्मूला कहते हैं, हाँ SO3 2 negative SO4 2 negative SO3 2 negative NO3 1 negative तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला, क्लियर बेटा, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज अगेन आयंस, समझ में आ गया, इसलिए मैंने लिखा है कि एटम का भी बना हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम का भी बना हो सकता है, समझ में आ गया। और मजेदार बात, आप साइंस बैकग्राउंड से, किस बोर्ड से, देखना बेटा ध्यान से, अब मैं पढ़ूंगा यहां पे टाइप्स ऑफ आयंस, क्या पढ़ूंगा बोलो, टाइप्स ऑफ आयंस क्या होता है, ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं बेटा कैटायन, या इसी का दूसरा नाम है बेसिक रेडिकल, क्या नाम है बोलो, बेसिक रेडिकल, आई विल प्रूव यू जस्ट नाउ, और एक का नाम है बेटा एनायंस, और इसे हम बोलते हैं एसिड रेडिकल, ठीक है। शॉर्ट में पहले बेसिक एसिड रेडिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, हमारे पास कोई सॉल्ट होगा
और सॉल्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, लेफ्ट साइड में ऑलवेज याद रखना, लेफ्ट साइड में बेटा कैटायन होता है जिसका हम बेसिक रेडी करते हैं, और राइट साइड में मैडम कोई सब्सटेंस है
उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो, लॉस करके जितना एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एन प्लस बनेगा ना, और इसी को हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं पूरे को मिला कर के एक साथ। ठीक है सर बात अच्छा। अब यहाँ एक ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा NH4 प्लस, ये भी कहता है ये मोर देन वन एटम का होगा, और आपने अभी भी देखा कि NA प्लस भी एक एटम का होगा, इसीलिए एटम सिंगल एटम का भी हो सकता है, क्या कहता है डबल बॉन्ड। अच्छा दूसरा एनायन की बात करना। अच्छा एक चीज और है, जो कैटायन होते हैं ये जाने आपको, जो कैटायन होते हैं उनके नाम के लास्ट में तीन चीजें लिखी हो सकती हैं, या तो ईएम होगा उनके नाम के अंत में, या फिर अस लिखा होगा, या फिर अपित लिखा होगा, जैसे सोडियम अमोनियम कैल्शियम पोटेशियम वो प्लस मैग्नीशियम वो इसमें आ गया, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरी। अब ये कब लिखते हैं ये भी बताऊंगा, इसका भी ट्रिक है। तो पहले आप देखिए आगे, अब एनायन की क्रिस्टी क्या होता है वो भी बता देता हूँ। एनायन आप गौर से देखें, एनायन की क्रिस्टी, तो एनायन को ही हम लोग कहते हैं एसिड रेडिकल। क्या बोलते हैं बोलिए, एसिड रेडिकल। बहुत अच्छे से समझना है, देखिए एनायन की क्रिस्टी में एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इसको हम एनायन बोलते हैं। अब एनायन में आपने देखा होगा सिंगल एटम में भी होता है, एन के ऊपर थ्री माइनस भी होगा, एक एटम एक एटम एक एटम, और मोर देन वन एटम का भी होता है। बोलिए भाई सर, ये सारा आपका एनायन हो गया। अब सर इसके एनायन को कैसे पहचानते हैं सर, उसके नाम के अंदर भी कुछ लिखा होगा क्या? यस, उसके नाम से लास्ट में या तो आईडी लिखा होगा जैसे क्लोराइड हाइड्रोक्साइड परऑक्साइड, या फिर एट लिखा होगा सल्फेट या सल्फाइट, या फिर आई लिखा होगा फ्लोराइड सल्फाइड क्लोराइड, या फिर नाइट्राइड नाइट्रेट नाइट्राइड, ये सब नाम लिखा रहा है हाइड्राइड, ये सब चीज बता दू। थोड़ा सा डिस्कस करो, कैटायन के नाम में ये जो तीनों नाम ये लिखते हैं मतलब कैसे आ जाता है कैटायन के नाम? जैसे आपने देखा था ना ईएम आए, तो ईएम उस वक्त आएगा जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा नॉर्मल, जैसे सोडियम है इसमें कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा दो आठ और एक तो ये एनए प्लस बना देगा दो और आठ, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम। ईएम आ गया कि नहीं आ गया? उस तरह से एम जी टू प्लस मैग्नीशियम, ये ऐसा हमने आप आ जाइए एन एच फोर प्लस, इसे बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम। ठीक है चलिए साहब प्लस आया। अब एक नई बात आप सुनिए, उसके आगे आप नहीं बात करेंगे सर, अस और इक का बोलते हैं, ये मुझे आपको समझाना है। अस और इक देखो बेटा, अस और इक के लिए यहां पे एक मेटल होगा, क्या होगा बोलो? एम। जब वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा तब उसके ऊपर टोटल चार्ज गिरा। अब ये रिएक्शन कर दिया तो एम के ऊपर क्या बन गया? मान लो दो प्लस दे दिया और एक देना फोर प्लस दे दिया, एलिमेंट ये भी एम है ये भी एम है ये भी एम है, किसी वजह से हमने दो ही इलेक्ट्रॉन हटाया, लेकिन सिंबल सबका सेम है, तो इसको बोलते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे जब ये ज्यादा है तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, राइट? तो जिसके जिस एलिमेंट के ऊपर फॉर्मूला सिंबल सेम हो और चार्ज कम हो उसके नाम के लास्ट में अस लगाते हैं, और जिसपे चार्ज ज्यादा हो उसके नाम के लास्ट में इक लगाते हैं। उदाहरण के लिए
आपके पास आयरन है, आयरन का दो रूप है, अब आया समझ में कुछ? आप पता है इसमें लो कौन है हाई कौन है, इसलिए इसका नाम है आस लगेगा, इसलिए ये फेरस है और ये फेरिक है, क्या है बोले? इसीलिए इस आस वाले को हम लोग एक नाम और देते हैं आयरन सेकेंड और इसको बोलते हैं आयरन थर्ड, मतलब समझ में जो वैलेंस है उसी को लिख देते हैं और इस तरह से लिखने को ही कहा जाता है स्टॉक नोटेशन, क्या कहते हैं? तो अगर एग्जाम में आ गया का सही आयरन का फेरस का स्टॉक नोटेशन क्या है तो यू शुड रिमेम्बर। ये है स्टॉक नोटेशन, नीचे भी लिखा है इसका एफ सी थ्री का, ये है ना, इसके चार निकाल लिया तीन इधर जाएगा तो प्लस थ्री, देखो अगर भूल जाओ इधर का नंबर इधर ले जाओ तीन, इधर भूल जाओ तो इधर राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाता है, लेफ्ट साइड में नीचे ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है। ये आप क्या देख रहे थे कि बेसिक रेडिकल का नामकरण कैसे किया है और सॉरी क्यों आता है, राइट समझ में? अब हम पढ़ेंगे ऐसे थे नाम क्लास में शब्द का इस्तेमाल करते हैं मेनली एलिमेंट सेम होगा
बट लेस ऑक्सीजन होगा, क्या होगा बोलो, ऑक्सीजन कम होंगे, इसमें भी वही एलिमेंट होगा जो इसमें है, एलिमेंट सेम होगा बट मोर ऑक्सीजन होगा। सर एग्जांपल बताइए, सल्फाइड सल्फेट, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, नहीं सल्फाइड सल्फेट नहीं, सल्फाइड और सल्फेट, ये देखो सल्फर ऑक्सीजन एलिमेंट सेम है, सल्फर ऑक्सीजन एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तीन है, यहाँ चार, इसलिए ये आइट है, एट है, नहीं आसान है। और आ जाओ NO3 माइनस NO3, NO2 माइनस और NO3 माइनस, समझ आ रहा है, यहाँ पे एलिमेंट सेम है, ऑक्सीजन दो है, एक है, तीन है, तो ये आइट हो गया, ये हेट हो गया, तो ये नाइट्राइट, समझ आ रहा है आप, इस तरीके से प्रेडिक्ट कर लेते हैं। बहुत सारा पढ़ा हुआ है, आपको रटनी नहीं, आपको समझना है, जो चाहेगा उसे, जब विद्या जितना खान है, जो ढूंढेगा उसी को मिलेगा, जो जिसका हो गया ना उसको क्या पढ़ाई क्या दे, पीछे इतना आसान चीज नहीं है, सिर्फ यूपी में ही चल रहा है या पूरे इंडिया में चल रहा है, पूरे यूपी में है, इंडिया में नहीं, योगी जी अलग सबका सोचा है, हाँ ये बच्चे ही नहीं है, बताओ मजा ले, मजा लेना मैडम। आप समझ एक और बात, यहाँ देखना HNO3 का नाम क्या, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, अब तुमने इसको क्या कर दिया, सॉल्ट में बदल दिया, माइनस और एच प्लस हटा दिया, अमाइन बना दिया, तो ये इसमें बदल दिया, गेट पर बदल गया, एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट, यहाँ भी तो सेम है, नहीं समझे हमारे, यहाँ एच लगा हुआ है, ये न्यूट्रल है, ये एसिड है, एसिड जो अपना हाइड्रोजन दे देता है तो उसका ई किसको बदल जाता है, अब आया समझ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे, और अगर ये HNO2 होता, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं, नहीं समझ रहे हमारी बात, तो अस हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, में, समझ में आया, ये कहना चाह रहा हूँ, उसी तरह से सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, तो एक वाला सल्फेट में एट में, और सल्फ्यूरस वाला आइट में, आगे सर ये है बारीक पॉइंट, अब मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है, तो सुनिए कैसे, उसको थोड़ा सा पढ़ना है, अब आपको यहाँ पे लिखना होगा अपने कॉपी में लिस्ट ऑफ
बेसिक रेडिकल और कैटायन, ठीक है, ये आपको नोट करना होगा। तो जरा देखिए आप सभी लोग बच्चों, यहां पे आपको लिखना है सिंबल, यहां लिखना है उसका नाम और यहां लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज। इसको वैलेंसी भी बोलते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं, ये बहुत काम आने वाला है। This will help you a lot. चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साहब, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं हाइड्रोजन का होता है सिर्फ 1+, बट ये रेडिकल नहीं होता है, लेकिन याद रखिए यूज होता है। तो सिंपली इसको हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे, हाइड्रोनियम और रोनियम कुछ नहीं पढ़ेंगे, और ये 1+ आता है। लेकिन जब ये H3O+ बन जाएगा तो इसको हम हाइड्रोनियम पढ़ेंगे। हाइड्रोनियम आयन बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आयन है। अब मैंगो को मैंगो फल बोलने की जरूरत नहीं, वो फल है। केला को केला फल बोलने की जरूरत नहीं, दैट इज ऑलरेडी केला, वो फल ही है, सब्जी थोड़ी है। आगे बेटा अब आ जाओ अमोनियम, NH4+ अमोनियम, अमोनियम ठीक है ना। अब हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनका नाम पढ़े लोग स्कूल पर चार्ज 1+ आता है, लिखने कोई जरूरत नहीं। अब आप आ जाइए सेकेंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रॉन्शियम और बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इन सबों के ऊपर कितना चार्ज होता है 2+। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3+, दिस इज एल्यूमिनियम। उसी तरह थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो Zn2+, दिस इज जिंक, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे सिल्वर, Ag4+, ठीक है, बस इतना से काम चल जाएगा। अब उसमें आएगा हमारा आगे और आएगा, देखिए जरा से 2 मिनट रुकेंगे। आयरन के ऊपर 2 तरह का चार्ज लिखते हैं Fe2+, Fe3+, कम वाले को क्या बोला था Ferrous, दिस इज 2+, और इसको बेटा कॉपर पे 2 चार्ज Cu1+ Cu2+ Q+ बहुत अच्छा Q3 क्लियर है बेटा। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, वो आपको याद करना, वो इंटरेस्टिंग है, वो देखिए क्या मरकरी का 2 स्ट्रक्चर देखो, कम है एक ऐसे करें हाथ की तरफ देखिए आप, ये HG है, यहाँ भी HG, यहाँ भी HG, बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, हालांकि ये मेटल है फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड है। डी ब्लॉक के एलिमेंट की तरफ जाने का कोवेलेंट फैक्टर आना शुरू हो जाता है, एस से डी की तरफ जाएंगे, इसके ऊपर 1+ और इसके ऊपर भी 1+, इसको एक्चुअली लिखते ऐसे हैं 2 HG हो गया, 1 और 1 2 और 2 चार्ज हो गए, तो एक मरकरी पे एक ही चार्ज होगा बेटा, इसे बोलते हैं मरक्यूरस, क्या बोलते हैं मरक्यूरस, बोलिए। और यहाँ HG के ऊपर 2+ है, बोलिए, इसे बोलते हैं मरक्यूरी, क्यों सर, क्योंकि देखो यहाँ 1 पर 1 चार्ज है, 2 पे 1 पर 2 चार्ज है, तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया और ये हाई है, ये मत सोचना कि 2 पे 2 है, तो ये 2 पे 2 है ना, 1 पे तो 1 ही हुआ ना, That's why it is as solid as A. लेकिन जब भी बोला जाएगा मर्क्यूरस लिखो तो आपको ये लिखना है सिर्फ सिंगल एच के ऊपर 1+ लिखना तो गलत हो जाएगा, ये रूल है याद रहे अच्छे से, ओके सर। अब जैसे लेड है Pb, Pb के ऊपर 2 चार्ज होता है, Pb2+ और Pb4+, दिस इज कॉल्ड प्लम बस, क्या कहलाता है एंड दिस इज कॉल्ड प्लम ट्री, इसलिए इस पे 2+ और इस पे
डन। मैं बोलता हूँ सब ऐसा पढ़ा दूंगा तो कोई सवाल तुम्हारा नहीं बचेगा कल के क्लास में, कल डेढ़ घंटे में सफिशियंट है सारी बात बता कल। और अपने दोस्तों को बुला के बच्चों को मजा आता है। चलो बेटा आगे लिस्ट ऑफ, अब एसिड रेडिकल नहीं, कौन सा रेडिकल, बेसिक रेडिकल हो गया, एसिड रेडिकल। और यहाँ पे क्या पैन में रहेगा, क्या रहेगा बेटा, एनायन। यहाँ पे लिखेंगे सिंबल या फॉर्मूले, ऑक्सीडेशन स्टेट एयर चार्ज, राइट। गौर से देखो, सिंबल देखने के बाद एच टू पर अगर माइनस लगा दोगे तो फिर इससे अब हम पढ़ेंगे हाइड्राइड। हाइड आ गया बेटा, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, फ्लोराइड पढ़ेंगे, क्लोराइड पड़ेगी। सर करता है, खूब पाया जाता है, बताऊंगा। क्लोराइड मेटल के साथ मेटल हाइड्राइड पाया जाता है, क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमा। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में एल आई एल एच फोर पढ़ते हैं हम लोग, एल आई एल एच फोर तो वो एच माइनस न्यूक्लियोफाइल देता है, पाया जाता है ब्रोमाइड वन माइनस हाइड्राइड। आगे बढ़े, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर OH के ऊपर माइनस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड। दो ऑक्सीजन पे एक एक माइनस, दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड। लेकिन वन माइनस लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में सब पर एटम लिखा जाता है, एक एटम के ऊपर लिखा जाता है, क्या रखना वो थ्री वन माइनस ओजोनाइट। अब यही थी ना बात, वन बाई थ्री माइनस सुपर ऑक्साइड, वो टू के ऊपर वन माइनस सुपर ऑक्साइड, वन बाई टू माइनस, यस। नाइट्रोजन के ऊपर थ्री माइनस नाइट्राइड,
एक नाइट्रोजन के नीचे 3/1 माइनस, इसको एजाइड बोलते हैं, माइनस एजाइड। सल्फर के ऊपर 2- सल्फाइड, SO3 2- सल्फाइड, SO4 2- सल्फेट, ठीक है बेटा। उसके बाद HSO3- बाइसल्फाइड, HSO4 1- बाइसल्फेट, HCO3- बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ठीक है। NO के ऊपर प्लस नाइट्रो सोडियम आयन, आयन ये तो उसमें आएगा, सॉरी कैटायन में, इसमें नहीं आएगा, माइनस वाले में नहीं आएगा, तो प्लस चार्ज आ गया, इसमें नहीं आएगा। अब आ जाओ CN- साइनाइड, NSC- आइसोसाइनाइड, ठीक है भाई। इसके ऊपर 1-, इस पे भी 1-, हमने जितना चार्ज है वही चार्ज है। हाँ CNO साइनाइड है ना, और CLO3- क्लोरेट, IO3- आयोडेट, ठीक है। HCOO- फॉर्मेट, CH3COO- एसीटेट, लास्ट C2O4 2- ऑक्सैलेट, बस इतने से काम चल जाएगा। एसिड से बना है ऑक्सैलेट, ठीक है, एनायन एसिड से ही तो बनता है यार, क्या बोल रही है। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास यहीं पे ओवर होगी, ठीक है।